हिमाचल प्रदेश को सोलर एनर्जी का हब बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। शिमला के माल रोड स्थित रोटरी हॉल में हिम ऊर्जा की ओर से सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साधारण ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। हिमाचल प्रदेश को सोलर एनर्जी का हब बनाने की कवायद के तौर पर शिमला में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया। मेले की ये तस्वीरें अपने आप में सोलर ऊर्जा को लेकर हिमाचल के लोगों की रुचि को बयान कर रही हैं। मेले में सोलर मॉडल को दिखाया गया है। घरों की छतों पर 1 से 10 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाकर प्रतिदिन 4.5 से 5.5 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बिजली तैयार करने के बाद इसे घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लोगों को करीब 80% सब्सिडी देगी। इस तरह का मेला हम अभी मंडी में भी 3 तारीख को लगाने वाले हैं और इसी स्तर से हम हर जिले के अंदर सोलर मेला जो है इस तरह से लगाएंगे और प्रदेश के अंदर हम इस तरीके से लोगों को पावर सेविंग के अंदर समझाएंगे किस तरीके से। क्यों आपने देखा कि लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सोलर को बढ़ावा देने के लिए लगभग 70% हमारे प्रदेश में पहाड़ी प्रदेश के अंदर सब्सिडी देने का प्रावधान था। आभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, सरकार बनते ही उन्होंने पर किलोवाट जो है 4000 सब्सिडी देने की बात रखी, तो लगभग 78% हम जो है इसकी सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने शिमला में सोलर प्लांट लगाने के 70 आवेदनकर्ताओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को सरकार ऊर्जा का हब बना रही है। हरिजन बस्तियों में 250 सोलर प्लांट लगाने की सरकार ने नीति बनाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 20 सोलर प्लांट स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। एक यूनिट बनाएंगे जिसमें 20 लाइटों का प्रावधान करेंगे जो सोलर के माध्यम से ही होगा और एक गांव के साथ दूसरे और जगह भी जो हमारी दूसरी बस्तियां होंगी वहां पर मिनिमम 40,000 कैलकुलेट तो करेंगे जहां हरिजन बस्तियों होंगी और दूसरी बस्तियों के लिए लगभग 80,000 रुपया कोई विधायक उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो 20 लाइटें वहां भी लग सकती हैं। तो गांव के अंदर आपको जैसे शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट होगी बिना खर्चे से हम आपको बता सकें कि गांव के अंदर भी ऐसी स्ट्रीट लाइट जो हम लगाने का प्रावधान प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। तो इससे खुद आप देख सकते हैं कि जो सोलर लाइट के माध्यम से सूरज के माध्यम सोलर लाइट के माध्यम नॉन कन्वेंशनल के माध्यम से प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम जो है इस सरकार के माध्यम से होने जा रहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में लोग रुचि तो दिखा रहे हैं लेकिन अभी इस योजना के प्रति जागरूकता नहीं है, इसलिए इस तरह के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला के बाद 3 दिसंबर को मंडी में मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें लोगों को सोलर ऊर्जा की स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एनवी न्यूज के लिए शिमला से संवाददाता योगराज के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।